उद्धव शरद जैसे नेता क्या क्या कर सकते हैं, आप बस इतने से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत सरकार की एजेंसीज को कई महीनों से नाच नचा के रखा है इन लोगों ने। कोर्ट के थ्रू भी एजेंसीज कुछ नहीं कर पा रही है, और कोर्ट क्या करेगी, जज तो अपने ही हैं। उसके बदले में अब सेंट्रल एजेंसीज पर ही ये नेतागण काउंटर अटैक करना शुरू कर चुके हैं। सीबीआई डायरेक्टर के अगेंस्ट में 15 साल पहले के एक मामले को महाराष्ट्र सरकार ने फिर से खुलवा दिया है। एक मामले में 2007 में हाईकोर्ट में सुबोध जायसवाल के लिए एक याचिका दायर की गई थी, और पुणे सेशन कोर्ट के द्वारा जायसवाल पर की गई सख्त टिप्पणी को रद्द करने की मांग की गई थी। अब उद्धव और शरद की सरकार चाह रही है कि मामले को जल्द से जल्द निपटाया जाए। हाईकोर्ट ने पूछा कि अचानक से ये हलफनामा दायर करने का मतलब, तो उद्धव सरकार का कहना है कि बहुत दिन से लंबित था ये मामला, इसलिए इसको निपटाने के लिए ऐसा किया गया। वाह, हाई कोर्ट है या दूध पीता हुआ बच्चा, कितनी आसानी से ये लोग खेल खेलते हैं। सच में कोर्ट सिर्फ नेताओं के लिए ही है। 1990 के दशक में एक फर्जी स्टैम्प पेपर घोटाले के सामने आने के तुरंत बाद सुबोध कुमार जायसवाल की अध्यक्षता में एक SIT का गठन किया गया था। अब्दुल करीम तेलगी को 2001 में गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद 2006 में एक अदालत ने तेलगी को 30 साल जेल की सजा सुनाई थी, लेकिन 2017 में जेल में तेलगी की मौत हो गई। बाद में ये जांच CBI को सौंप दी गई। सुनवाई के दौरान पुणे की मकोका कोर्ट ने SIT की जांच पर कई सवाल खड़े किए थे। अदालत में पाया गया था कि जायसवाल के नेतृत्व में जांच में कई कच्चे लिंक थे। जायसवाल ने 2007 में एक याचिका दायर कर टिप्पणियों को रद्द करने की मांग की थी। यह मामला 2019 में फिर से सामने आया, जब राज्य के पुलिस महानिदेशक के रूप में जायसवाल के चुनाव को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। अपनी याचिका में एक पूर्व पुलिस अधिकारी ने सवाल उठाया था कि इतने ऊंचे पद पर अदालत के द्वारा फटकार लगाने वाले अधिकारी को कैसे नियुक्त किया जा सकता है।